नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंदा, यूट्यूब चैनल फरी टीवी देव, और आज हम बात करेंगे टिकटॉक बैन होने के बारे में। और आइए हम जानते हैं कि टिकटॉक बैन होने के बाद टिकटॉकर कैसे रो रहे हैं। मैं आप सबको खोना नहीं चाहती गाइस। यार मत रो, ओए क्या हुआ भाई, रो क्यों रही है? अरे अब हम गुजरा कहाँ करेंगे? कोई नहीं बहन, मैं नौकरी ढूंढ लूंगा। ये देखो टिकटॉक को कैसे लात मार के भगा दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। अच्छा चलता हूँ रखना मेरे जिक्र। मैं तुमको बता देता हूँ कि सिर्फ टिकटॉक ही बंद नहीं हुआ है, टिकटॉक के साथ साथ और भी बहुत कुछ बंद हुआ है, जैसे रोड और पार्कों में मुजरा बंद। आओ आओ हिजड़े की औलाद, आओ, तेरी कमी थी या। मुजरा करती हूं। और पाउडर बिकने भी बंद हो गए। इस मोटी आंटी की पपियां बंद। आजो पपियां लगी आप तोड़ियां। स्लो मोशन बंद। सनी लियोनी की बक बक बंद। हेलो गाइस, आई एम सनी लियोनी। काली एक्टिवा की लचक बंद। और इनके ठुमके भी बंद। सनी लियोनी तो अब भी मानने को तैयार नहीं है कि टिकटॉक बंद हो गया है। सारे टिकटॉकर पागल हैं क्या? कह रहे टिकटॉक बैन हो गया, टिकटॉक बैन हो गया। कहां से बैन हो गया? टिकटॉक बैन हो गया। पागल वागल हो क्या भैया? भांग वांग खा के हो क्या टिकटॉक पे? जो कह रहे टिकटॉक बैन हो गया, कहां से टिकटॉक बैन हो गया? जब सनी लियोनी को पता चला कि टिकटॉक सच में बंद हो गया। ये इंसान है कौन जिसने टिकटॉक को बैन किया? उसका नाम बताओ प्लीज। मित्रों आज से मुजरा ऐप बंद। अभी आपको मुजरा देखने के लिए स्पेशली बुकिंग करना पड़ेगा। टिकटॉक बैन होने के बाद कैसे रो रहे हैं कि हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्लिक करके इंस्टाग्राम पे मुझे प्लीज फॉलो कर दो। मैं आप सबको खोना नहीं चाहते गाइस। यार आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे बनाऊंगी, वैसे ही एंटरटेन करूंगी जैसे टिकटॉक पे करती थी। तो आ जाओ प्लीज, मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कीजिए। हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, यूट्यूब पे फॉलो करो। जब तुम वीडियो के लास्ट तक आई गए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर लिखना।